सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कल युग ही दिखायो, सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कल युग ही दिखायो, निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। दुष्टनि दोष विचारी मृत्यु को उद्दम कियो, दुष्टनि दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो, बार न बाको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। भक्त निशान बजाए के काहू ते नाहिन लजी, लोकलाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरिधर भजी। ये पंक्तियां हैं सुप्रसिद्ध भक्त कवि नाभादास जी ने भक्तमाल में मीरा जी की प्रशस्ति करते हुए लिखा है। भक्त कवियों में मीरा जी का जो स्थान है वह सर्वोपरि है, प्रमुख है। मीराबाई का जन्म संवत 1573 में जोधपुर में चौकड़ी नामक गांव में हुआ था। मीराबाई मेड़ता के राठौर रत्न सिंह की पुत्री थीं। मीराबाई जी का विवाह चित्तौड़ के महाराणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था, परंतु दुर्भाग्यवश शीघ्र ही वो विधवा हो गई। मीरा के लिए यह अत्यंत दुखद घटना थी। वे भक्ति पथ पर अग्रसर हुई, बचपन के संस्कार प्रबल हो उठे। वह रात दिन अपने गिरधर गोपाल की भक्ति में तल्लीन रहने लगी। साधु संग, भजन, कीर्तन उनके जीवन का अंग बन गया। ऐसा माना जाता है कि उनके गुरु संत रैदास जी थे। जैसा कि मीरा जी ने अपने पदों में कई बार उल्लेख भी किया है, गुरु मिलिया रैदास जी दीनी ज्ञान की गुटकी। और एक स्थल पर और कहती हैं, मीरा ने गोविंद मिलिया गुरु मिलिया रैदास। मीरा का साधु संगत करना उनके देवर को नहीं भाता था। मंदिरों में सबके सामने नृत्य करना राजघराने की परंपरा नहीं थी, इसलिए उनके देवर को पसंद नहीं था। वे नहीं चाहते थे कि उनके कुल परंपरा की जो मर्यादा है उसका अतिक्रमण कोई करे। उनके देवर ने इस प्रकार कुल की लाज त्यागने वाली मीरा को सीधे मार्ग पर लाने का बहुत प्रयत्न किया, प्रयास किया। विष का प्याला भेजा, मीरा पी गई, अमृत हो गया, चरणामृत हो गया। एक डिबिया में सर्प भेजा, पर मीरा प्रणाम करते हुए उन्हें शालिग्राम के रूप में देखा, वे शालिग्राम बन गए। इस प्रकार राणा के सारे उपाय व्यर्थ हो गए। अनेक यातनाएं वो देते रहे, लेकिन मीरा अपने भक्ति मार्ग पर शांत मन से अनवरत आगे बढ़ती रही। अंततः राणा की गतिविधियों से दुखी होकर उन्होंने धर्मध्वज गोस्वामी तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा। श्री तुलसी सब सुख निधान दुख हरन गोसाई, बारही बार प्रणाम करहुं अब हरहु शोक समुदायी। घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई, असाधु संग अरु भजन करत मोहि देत कलेश महाई। बालपने ते मीरा कीनी गिरधर लाल मिताई, बालपने ते मीरा कीनी गिरधर लाल मिताई, सो तौ अब छूटत नाही क्यों हूँ लगी लगन बरियाई। मेरे मातु पिता के सम हो तुम हरि भक्तन सुखदाई, हमको कहा उचित करिबो है सो लिखिए समझाई। गोस्वामी जी ने उस पत्र को पढ़ा और पढ़ने के बाद बहुत सुंदर उन्होंने उत्तर दिया है, जो गोस्वामी जी की अमर कृति विनय पत्रिका में संकलित है। जो पत्र लिखा था उन्होंने, मीरा जाके प्रिय न राम बै देही, जाके प्रिय न राम बै देही, अरे तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही।
फिर आगे उदाहरण देते हैं कि तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, अरे बलिगुण तजो कंत ब्रज बनितानि भय मुद मंगलकारी, और नाते नेह राम सो मनियत सुहृद सुसेव्य जहालो, अरे अंजन कहा आँख जेह फूटे और बहुतक कहो कहालो, तुलसी सो सब भांति परमहित पूज्य प्राण ते प्यारो, और जासो होए स्नेह राम पद ए तो मतो हमारो। हमारा तो यही मत है कि जो व्यक्ति प्रभु राम के चरणों में, माधव के चरणों में जो समर्पित हो जाए उसी के प्रति संबंध रखना चाहिए। और फिर उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दे करके मीरा को समझाया। इतना पढ़ते ही मीराबाई जी ने घर का परित्याग कर दिया और मथुरा वृंदावन की यात्रा पर निकल गई। ब्रज में रहकर वे प्रभु का यशोगान सत्संग संकीर्तन करती रहीं। कुछ वर्षों के उपरांत वे द्वारिकापुरी गुजरात आकर श्री द्वारिकाधीश के चरणों में अपना समूचा जीवन व्यतीत कर दिया। ऐसा कहा जाता है, मान्यता है कि वे संबत 1603 में द्वारिकाधीश में समा गईं। मीरा जी की कविता में कृष्ण भक्ति और प्रेम का चरम उत्कर्ष मिलता है। उदात्त प्रेम की सात्विक छवि मध्यकालीन काव्य में अन्यत्र दुर्लभ है। मीरा की भक्ति सगुण है, वह है भावना प्रधान। उनके गिरधर गोपाल वस्तुतः वही गिरधर गोपाल हैं जो वृंदावन बिहारी हैं और गोपियों के साथ महारास में मग्न रहते हैं। और महारास जो है वह ब्रह्म और जीव का मिलन है। मीरा जी उन्हीं को अपना परम पति मानती हैं और कहती भी हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, अरे जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति दास्य भाव की है, महाकवि सूरदास की सख्य भाव की है, वहीं मीरा जी की जो भक्ति है वह कांता भाव की है, माधुर्य भाव की है। उनका प्रेम राधा और गोपियों का सा प्रेम था जिसके कारण उन्होंने संसार को छोड़ दिया, लोक लाज का परित्याग कर दिया। उनके दिल में एक दर्द था और उसी दर्द में व्याकुल होकर वो गा उठी, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोय, दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिला नहीं कोय, अरे मीरा की तब पीर मिटेगी जब वैद सवरिया होए। गीत काव्य के अनुसार मीरा की कविता आदर्श है। मीरा ने न तो रीति शास्त्र की गवेषणा की और न अलंकार शास्त्र की। उनके हृदय में निर्झर की भांति भाव आए और अनुकूल स्थल पाकर प्रकट हो गए। हृदय की भावना मंदाकिनी गंगा की भांति अविरल कल कल करती हुई आई और मीरा की कंठस्थ सरस्वती की संगीत धारा में मिल गई। मीरा जी ने कुछ लिखा नहीं है ऐसा माना जाता है। वे माधव के चरणों में समर्पित हो गई, उनके रूप सौंदर्य को देखकर थिरक उठी और घुंघरू के स्वर जो निकले, घुंघरू की जो धुन निकली वह कविता बन गई। विद्वानों ने उनके तीन ग्रंथों को प्रमाणित माना है, राग गोविंद, नरसी जी का मायरा और राग मल्हार। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर बंगाल तक प्रेम योगिनी मीरा के गीत बड़ी श्रद्धा के साथ गाए जाते हैं। वास्तव में बच्चों, काव्य रचना करना मीरा का उद्देश्य नहीं था। वे तो निश्चल भक्ति की धारा में स्वयं को प्रवाहित किए हुए थी। ब्रज भाषा के साथ साथ राजस्थानी और गुजराती भाषा का उन पर प्रभाव था। उसका एक कारण है, राजस्थान में पैदा हुई, मथुरा वृंदावन में बहुत दिन तक रहीं, वहाँ की भाषा आ गई
और फिर गुजरात द्वारिकाधीश के चरणों में जब समर्पित हुई तो गुजरात पहुंच गई। तो गुजराती भाषा तो एक तरह से राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिला जुला प्रभाव है मीरा जी के साहित्य में। गीत काव्य की रचना उन्होंने की है और पद शैली का प्रयोग किया है जिसमें माधुर्य गुण की प्रधानता है। संगीतात्मकता इनके काव्य का विशेष गुण है। उसी संगीतात्मकता के कारण विश्व भर के बड़े बड़े गायक हैं, संगीतकार हैं, उन्होंने मीरा के पदों को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ, बड़ी भक्ति भावना के साथ गाया है। श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग और वियोग का भरपूर चित्रण है। अलंकार स्वाभाविक रूप से आ गए हैं। भाषा सहज, सरल और बोधगम्य है। बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में संकलित मीरा के पदों में कृष्ण भक्ति और प्रेम का चरम उत्कर्ष मिलता है। मीरा के कृष्ण प्रेम की उत्कटता दर्शनीय है। आइए सुनते हैं प्रथम पद। इस पद में मीरा की तल्लीनता का वर्णन है। कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को जीवन का एकमात्र लक्ष्य मीरा ने माना और पैरों में घुंघरू बांधकर नाच उठी। वे कहती हैं, मैं अपने कृष्ण की दासी हूँ, उनके सिवाय मेरा कोई दूसरा नहीं है। कृष्ण के प्रति
उनके अनन्य प्रेम और भक्ति को देख करके लोग कहते थे मीरा पागल हो गई है। वहीं दूसरी ओर नात रिश्तेदार क्या कहते हैं, न्यात कहें कुल नासिरे, जो नात रिश्तेदार हैं वे कहते हैं, कोसते हैं कि कुल की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को मीरा ने दांव पर लगा दिया। उनके व्यवहार से तंग आकर उनके देवर ने उनके लिए विष का प्याला भेजा कि पीते ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। लेकिन मीरा ने कृष्ण का नाम लेकर हंसते हुए उस विष के प्याले का पान कर लिया। उन्होंने कृष्ण में स्वयं की सुध भुला दी। उस अविनाश से मिलने को मीरा आतुर हैं। इसमें पदमैत्री भाषा में ब्रज और मेवाड़ी का अनोखा समन्वय दृष्टिगोचर होता है। अब आइए हम सुनते हैं दूसरा पद। इसमें माधव के प्रति अपने अनन्य प्रेम का वर्णन करते हुए मीरा कहती हैं कि मैं तो सांवले कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ, सज धज कर पैरों में घुघरू बांध कर सारे लोक लाज का त्याग कर मैं कृष्ण के रंग में रंग कर नाच उठी हूँ, नृत्य कर रही हूँ। मेरी कुमति का नाश हो चुका है, सद्बुद्धि आ गई है, मैंने साधुओं की सत्संगत में जीवन का जो मर्म है उसे पा लिया है, ग्रहण कर लिया है, अंततः वैराग्य धारण कर लिया है।
अब मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण के गुणों का ही गान करती हूँ। काल रूपी सर्प के दंश से मैं परिचित, प्रतीकात्मक बात कर रही है मीरा। अतः कृष्ण के बिना सारा संसार मुझे सूना लगता है, उनके सिवाय हर बात सच्ची या झूठी प्रतीत होती है। एक वही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है। जैसे जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः, ब्रह्म ही सत्य है, संसार झूठा है। मीरा कृष्ण की भक्ति में डूबकर असीम आनंद में डूब गई, उन्हें किसी भी लोक मर्यादा का भान ही नहीं रहा। पदमैत्री, इसमें अनुप्रासित छटा और पद में भक्ति की पराकाष्ठा के दर्शन होते हैं। अब चलिए सुनते हैं मीरा का तीसरा पद। बसो मोरी नैनन में नंदलाल, बसो मोरी नैनन में नंदलाल, मोहनी मुरति सावर सोरती, मोहनी मुरति सावर सोरती, नैना बनी बीसा, कृष्ण को अपनी आँखों में बसा लेने की बात, हृदयंगम करने की बात, आँखों में समा लेने की बात मीरा कर रही हैं। मीरा कहती हैं, माधव हे गोविंद, आप मेरी आँखों में बसे हुए हो, बसो मेरो नैनन में नललाल, और बस जाओ, दोनों इसके भाव हो सकते हैं कि बसो मेरो नैनन में नदलाल, मेरी आंखों में बस जाओ, या मेरी आंखों में आप बास करते हो। आपकी उस सांवली मन को मोह लेने वाली बड़ी बड़ी आंखों वाली छवि मेरे मन में बस गई है। अमृतमय रस से भरे हुए तुम्हारे अधरों पर मुरली विराजती है, मुरली सुशोभित होती है, बांसुरी शोभा पाती है, हृदय पर तुमने वैजयंती की माला धारण कर रखी है, कमर पर छोटी सी घंटी बंधी है जिसमें नूपुरों की ध्वनि वातावरण में रस घोल रही है। मीरा जी कहती हैं कि श्री कृष्ण का जो ये वात्सल्य से भरा हुआ रूप है, भगत वत्सल गोपाल, भक्त वत्सल जो रूप है प्रभु का,
सभी संतों के हृदय को सुख और आनंद प्रदान करने वाला है। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, छोटी छोटी घंटियां आपके कमर में क्या होता है कि कमर में एक करधौनी जैसा छोटी छोटी घंटियां बांध देते हैं छोटे छोटे बच्चों के, जिसमें धुन निकलती है नूपुर शब्द रसाल। वो नूपुर की तरह वो जो हैं मीठी मीठी ध्वनि उससे निकलती है। और मीरा कहती हैं, प्रभु यही जो आपका रूप है, संतों को सुख देने वाला है। हे भक्त वत्सल गोपाल, आपका जो रूप है वह वात्सल्य से भरा हुआ है। आपका जो रूप है वह हमें भा गया है, वो संतों को सुख देने वाला है, आनंद प्रदान करता है। हे प्रभु आप मेरे आँखों में निवास करो, आप मेरे समक्ष अनवरत, आप मेरी आँखों के सामने रहो। इसमें अनुप्रास, भाषा ब्रज और मेवाड़ी और पदों में लयात्मकता है। इसे बहुत सारे भक्तों ने, संगीतकारों ने इसका गायन किया है। चौथा पद है, आइए हम सुनते हैं। पायो जी मैं तुम राम रतन बन पायो, पायो जी मैं तुम राम रतन बन पायो, बस तू अमोल दे मेरे सतगुरु, बस तू अमोल दे मेरे सतगुरु, कृपा कर अपना मीरा ने इस पद में यह स्वीकार किया है कि मैंने राम रतन रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। वास्तव में जो भक्त होता है वह राम और कृष्ण में अंतर नहीं करता, दोनों एक हैं। हम चाहे उन्हें राम कहें चाहे हम उन्हें श्याम कहें। मीरा कृष्ण की उपासिका है और कहती है कि मेरे सद्गुरु की कृपा से मुझे राम रतन रूपी अमूल्य धन की प्राप्ति हो गई है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ए जी मैंने राम रूपी जो रत्न है जो धन है वो मैंने प्राप्त कर लिया है।
और ये जो राम रतन धन मिला, ये सद्गुरु की कृपा से मिला है। जन्म जन्मांतरों से मुझे जिसकी अभिलाषा थी, जो इच्छा थी, संसार में सब कुछ खोकर भी मैंने उस पूंजी को प्राप्त कर लिया है। मीरा ने कुल छोड़ा, परिवार छोड़ा, लज्जा छोड़ी, सारे समाज को छोड़ दिया, एक माधव के चरणों में पूरी तरह से समर्पित रही। वही वो कहती हैं कि मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन हमने ऐसी पूंजी प्राप्त की है जो मेरे साथ जन्म जन्मांतर रहेगी, जिसे खर्च करने पर भी खर्च नहीं किया जा सकता। ऐसी पूंजी मैंने प्राप्त कर लिया है, उसे चोर नहीं चुरा सकता। दिन प्रतिदिन वह पूंजी जो है हमारी बढ़ती जाती है। खर्चे न कोई चोर न लेवे, और दिन दिन बढ़त सवायो, वो सवाया करके बढ़ती जाती है, और उसे चाहे जितनी खर्च करो। कहने का भाव ये है कि जितना हमारा मन ईश्वर की भक्ति में तल्लीन होगा, हम उसका नाम लेंगे, भजन करेंगे, स्मरण करेंगे, उसका ध्यान करेंगे, उतना ही मन जो है भक्ति में डूबता चला जाता है और वह भक्ति में वृद्धि होती जाती है। मीरा आगे कहती हैं कि सतकी नाव खेपटिया सतगुरु, सतकी नाव, सत्य की नाव हमें मिल गई है, और उसके नाविक कौन है? सतगुरु। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, हमारे जो नाविक हैं सतगुरु हैं मेरे, और नाव जो मिली है वो सत्य की मिली है। मैंने इस संसार रूपी समुद्र को पार कर लिया है। मीरा के प्रभु श्री कृष्ण हैं। यह खुशी से मैं बता सकती हूँ कि उनकी प्रशंसा गाने में मुझे कोई संकोच नहीं है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, हरसी हरसी जस गायो। मैं सत्य की नाव में बैठकर, जिसके नाविक हमारे सतगुरु हैं, मैं इस संसार सागर को पार कर रही हूँ। मैंने पार कर लिया है, और मैं हरसी हरसी प्रसन्नता पूर्वक उनकी प्रशंसा का गान करती हूँ। मुझे तनक भी संकोच नहीं है, मुझे थोड़ा भी संकोच नहीं है। इसमें भी अनुप्रास अलंकार, भाषा ब्रज मेवाड़ी, और पद में संगीतात्मकता, इसे बहुत सारे संगीतकारों ने बड़े प्यार और सम्मान के साथ गाया है। बच्चों, मीरा अपने आप को दासी कहती हैं, मीरा खुद को दासी कहती हैं। क्या आशय है इसका, क्यों ऐसा कह रही हैं? वह कृष्ण की अनन्य भक्त हैं और कृष्ण को अपना पति परमेश्वर मानती हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरे न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ऐसा उन्होंने कहा है। इसीलिए वह खुद को दासी कहती हैं। वह कृष्ण की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हैं। उनकी यह भक्ति पूर्ण रूप से श्री कृष्ण को समर्पित। दूसरा प्रश्न बनता है, गई कुमति लई साधु की संगति, कवि का क्या आशय है? एक सूक्त है, एक पंक्ति है कि संसर्गजाह गुण दोषाह भवन्ति, या सत्संगति कथे किम न करोति पुंसाम। सत्संगति क्या नहीं कर सकती? सत्संगति, जब साधुओं की संगति, सज्जनों की संगति, विद्वानों का साथ मिल जाए तो कुमति गई, जो दुर्बुद्धि है वो अपने आप दूर हो जाती है। साधुओं की सत्संगत में आकर जीवन के मर्म को मीरा ने समझ लिया है और उन्हें सुमति आ गई है। कुमति विदा हो गई, कुमति चली गई, दूर हो गई। अब तक वे संसार के माया मोह में फंसी थी, लेकिन अब सहज ज्ञान प्राप्त हो गया है उनको। उन्होंने कृष्ण की भक्ति में स्वयं को तल्लीन कर। अगला प्रश्न बनता है, बच्चों, मीरा को जो अमोलक वस्तु मिली है उसके बारे में वो क्या क्या बता रहा? वास्तव में मीरा को बहुत अमूल्य रत्न प्राप्त हो गया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीरा ने जो राम रतन रूपी धन पा लिया है वह उन्हें उनके सद्गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। संसार में अपना सब कुछ खोकर
उन्होंने जन्म जन्म की पूंजी प्राप्त कर ली है। यह ऐसी संपदा है जिसे न कोई खर्च कर सकता है, न चोर उसे चुरा सकता है। उसे जितना खर्च करो वो सवाया बढ़ता ही जाता है। कहने का भाव यह है कि ईश्वर की शरण में आकर उन्हें अब किसी की सुध-बुध नहीं रही, उनका जीवन सार्थक हो गया। और मीरा आगे कहती हैं कि राम रतन धन पायो, राम रतन धन को जन्म जन्म की पूंजी कहने का क्या भाव है मीरा जी का। राम रतन रूपी धन पाकर कवियत्री मीरा स्वयं को धन्य मानती हैं, क्योंकि उन्हें जिस ईश्वर की आराधना में सुख मिलता था, जिसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, वह उनके जन्म जन्मांतरों की साध है, वह प्राप्त हो गई। अतः उनका जन्म जो है सार्थक हो गया। राणा जी ने मीराबाई को विष का प्याला क्यों भेजा था, मैंने इस बात को आपको बताया भी है, और मीराबाई उस विष को पीते हुए क्यों हंसने लगी। मीराबाई द्वारा कृष्ण भक्ति में पद रचना और नाचना गाना सामंती राज परिवार की परंपरा के अनुकूल नहीं था। राज परिवार ने कई बार उन्हें विष देकर मारने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। नाग भेजा एक पिटारी में, डिब्बी में, लेकिन जैसे उन्होंने पिटारी खोला तो शालिग्राम शिला दिखाई दी, तो राज परिवार इसमें सफल नहीं हो पाया। कृष्ण की भक्ति में वे इतनी डूबी रहती थीं कि उन्हें जब राणा ने विष का प्याला भेजा तो वे उसे चरणामृत समझकर हंसते हुए पी गईं। उनकी निश्चल भक्ति का ही परिणाम था कि जहर भी उनके लिए अमृत हो गया, वह निष्प्रभावी हो गया। तो इस तरह से सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्ति शाखा की उत्कृष्ट रचनाकार मीराबाई का जो साहित्य है वो हमारे हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। भक्ति काल में जहाँ एक ओर राम काव्य धारा का प्रवाह हो रहा था, वहीं दूसरी ओर कृष्ण भक्ति धारा का भी प्रवाह चल रहा था। राम काव्य धारा में एक ओर गोस्वामी तुलसीदास जी बागडोर संभाले हुए थे और दूसरी तरफ महाकवि सूर। तो कृष्ण काव्य धारा में अष्ट छापी कवियों के अतिरिक्त मीरा जी भी थीं। यद्यपि मीरा जी के साहित्य को देखकर समझकर उन्होंने अविनाशी, हठयोग और बिनु करताल पखावज बाजे अनहद की झनकार रे, ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया है, तो उसमें कहीं कहीं निर्गुण संतों की धुन सुनाई देती है, लेकिन वे पूर्ण रूप से सगुण साकार परम ब्रह्म की उपासिका हैं। वे कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानती हैं और कृष्ण के ही रूप लावण्य में, रूप सौंदर्य में वे पूरी तरह से निमग्न रही हैं। वास्तव में मध्ययुगीन साहित्य सूर तुलसी जैसे संतों का साहित्य है। मीरा ने दुलारा है, रसखान ने माधुरी भर। मध्ययुगीन काव्य जो है पल्लवित और पुष्पित होता हुआ हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग बन गया।